वेलकम गाइस टू द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव यू जिंदगी विद सीमा। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जैसे गैलरी वॉल बनाते हैं ना कि बहुत सारी पेंटिंग्स या फोटोज़ लगानी है एक साथ, तो वो हम कैसे लगाएं। तो सबसे पहले तो जिस वॉल में जितने एरिया में हमें लगानी है उसके बराबर का हम न्यूज़पेपर जोड़ के तैयार कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा साइज़ दीवार पे जितना लगना है उतना हमारे पास एक बड़ा कागज़ तैयार हो जाए। अब इसके बाद आपके पास जो भी पिक्चर फ्रेम है, मिरर है, या जो कुछ भी आपको जिसका लगाना है वो आप इस पेपर पे रख के अलग अलग सेट करके कि कैसे जो बेस्ट लग रहा हो वो डिज़ाइन आप कर लीजिए। कई बार इधर का उधर बेटर लगता है या कुछ होता है, तो ये आप पेपर पे ही एक फाइनल ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लीजिए कि आपको वॉल में ये इस तरह से लगाना है। तो जब हमारा एक बार ये फाइनल तैयार हो गया कि हमें इस टाइप से ये इसके बाद ये या ये सीक्वेंस में लगानी है, तो इसके बाद अब हम ये करेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमने ये लगाए हैं मिरर्स, तो उसकी आउटलाइन हम कर लेंगे स्केच पेन से। अब ये अपनी इस वॉल में तो मैं ये रैंडम शेप और रैंडम साइज़ की लगा रही हूँ, तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो भी जाता है तो कुछ इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे स्क्वायर फ्रेम का या कोलाज बना रहे हैं आप, या रेक्टेंगल फ्रेम का कोलाज बना रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ है ये, क्योंकि नहीं तो दीवार में एक बारी लगने के बाद फिर ऊंचा नीचा हो जाता है तो बहुत गड़बड़ लगता है वो। अब ये न्यूज़पेपर जिस पे हमने ये पूरा अपना ड्राफ्ट बनाया था और स्केच पेन से पूरा बना लिया है, इसको हम टेप से जहाँ पे हमें ये गैलरी वॉल बनानी है, जहाँ पे लगाना है कोलाज, वहाँ पे हम ये पेंटर्स टेप से इसको चिपका देंगे अच्छी तरह से बिल्कुल। अब जहाँ पे ये मिरर का या पेंटिंग का जो भी आप लगाने वाले हो उसका जो लूप आ रहा है टांगने वाला, तो उसको निशान लगाना है। तो अगर आपकी ये रेक्टेंगल या स्क्वायर पेंटिंग्स का आप कोलाज बना रहे हैं तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ये। और इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि हल्का सा स्केच पेन गीला या फिर नेल पॉलिश एक न्यूट्रल से कलर की, वो आप लूप में लगा के और फिर जैसे लगाइए लूप में वैसे ही आप फौरन ये पेपर पे कर दीजिए, तो फिर आपका निशान उसका पड़ जाएगा, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ का निशान बनेगा एक्यूरेट जगह पे। अब जहाँ जहाँ पे हमारा ये आया है कि यहाँ पे कील लगानी है, तो उसको हम सेंटर पंच से मार के हैमर करके वॉल पे डेंट बना लेंगे तो वो निशान आ जाएगा, और पेपर को अब हम हटा देंगे। अब जहाँ जहाँ हमारा ये मार्क आया है कि हमें यहाँ पे स्क्रू लगाने हैं, तो ड्रिल मशीन से उसमें छेद कर दीजिए और एंकर लगा दीजिए, गुल्ली कहते हैं जिसको, और उसमें पेंच लगा दीजिए स्क्रू, और बस हमारा रेडी हो जाएगा। और जैसे हमने पैटर्न जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको हैंग कर देंगे, और बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में बहुत ही, और इसमें मेहनत भी बहुत कम लगती है, हमारा ये कोलाज गैलरी वॉल मिरर वॉल जो कि मैंने रेडी करी है वो रेडी हो गई। और ये एक बेडरूम मेकओवर का पार्ट है बोहो लुक का, तो वो रेडी होएगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।